तो हम लोग अभी जस्ट तैयार हो गए हैं सभी लोग, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। और मुझे महाराज तैयार हैं, मास्टर साहब तैयार हैं, अन्नू भी तैयार है। अरे यार ये चेक करके जा, एक ही चेक ना करी जाता, मैंने कही थी चेक कर ले सबरी। कुछ बोलोगे? आए क्या कह रहे चले सर? हाँ ओ गोटा हेलो 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 लो जी फो क्या ये देखिए, ये श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन। हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे की ओर। पापी रुको, इन सब के पीछे आ रहा हमारा बाबा फकीर जिसकी कोई नहीं सुनता कभी। ये देखिए दोस्तों, ये है अपना चार धाम मंदिर, इसको हम आपको वापस लौटते में दिखाएंगे इसको पूरा। ये है कॉरिडोर जो कि रात को इसका व्यू दिखाएंगे, बहुत अच्छा लुक आता है इसका व्यू, बहुत ही ज्यादा अच्छा था। अभी फिलहाल इस पे काम चल रहा है, आगे का हम अपडेट बाद में देते हैं आपको। अब बताओ रुद्र सागर तो बहुत ही अच्छा, ये देखो पूरा यहाँ से वहां तक दूर दूर तक काफी बड़ा है। ये देखो दोस्तों, अब यहाँ से आप आगे की ओर बढ़ते हैं। अंकल बाद में आकाश सभी भक्तों को। तो अभी हम लोग जस्ट एंट्री कर रहे हैं मंदिर में, अभी आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के। अब जब मोबाइल लेके आए थे यहाँ जमा करने के लिए, लाइन में लगना पड़ रहा है। देखना आ रहे एक चीज देखी देख अमरनाथ में बर्फ कितनी होती है, वो अमरनाथ दिखाई दे रहा है बर्फ कितनी होती है, लेकिन बर्फ वाले पहाड़ पीछे दिखाए हैं। ये सब बर्फ में ढके हुए हैं। गंगा जी बनाती है नहीं देख, जैसे मथुरा के बगल से यमुना नदी वो दिखाई दे रही है, हरिद्वार के बगल तूने करके गई है, ये भी चली गई सीधी पल्ली तरफ गई, बैद्यनाथ होते हुए पलंग गई, वो जस्ट इनसे दो नदियां कटके इधर नर्मदा में आके मिली है। जी कौन सी है? यमुना जी में थोड़ी गंगा निकली है, यमुना जी में जी निकली जी ना बताओ। हाँ वो जी यमुना जी वाली तो पूछ रहा हूँ, गंगा जी कहाँ है? यही तो यहाँ पे। तो भारत माता की जय। अभी हम लोग आए हैं भारत माता के मंदिर, आपको दर्शन अभी कराते हैं भारत माता के। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुशासन में रहकर ही मोबाइल सेल्फी फोटोग्राफी आदि का प्रयोग मतलब कर लें लेकिन ले भारत माता की जय वंदे। पत्थर नीचे अच्छो ना जवाब है, चुभे रहो चुभे रहो या बदलवा हो यार। कुत्ता कहाँ मिलेगा भैया तुम्हें? इतने चल ले आओ पानी किनारे।
भैया नौका बिहार के लिए जाना। जय श्री महाकाल दोस्तों, तो अभी हम लोग घूमने निकले हैं। कहाँ पहाड़ का जाएंगे नहीं पता, कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग? जय भी काल भैरव, काल भैरव और सादा टेन तो जो भी होगा आगे अपडेट देते जाएंगे। हेलो गाइस, तो हम जल्दी अब आगे मंदिर की ओर। ये देखो मार्केट, उज्जैन का मार्केट है ये। यहाँ का अच्छा खासा मार्केट है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने का बहुत ही अच्छा अच्छा सामान। कुर्ते वगैरह महाकाल बाबा के कुर्ते वगैरह ये पहनते हैं लड़की, बहुत ही अच्छे लगते हैं। हम चारों ने भी लिए हैं कि तो रूम पे रखे हुए हमारे। तो भाई यहाँ लग गया ये ट्रैफिक। दोस्तों तो हम लोग आए हैं महर्षि सादीपनी आश्रम। बताया ये बहुत अच्छा आश्रम है, काफी लोग यहाँ हम लोग रुके हैं रूम पे। उन दीदी ने बताया कि एक आश्रम है, इतना अच्छा आश्रम है, इसको जरूर घूमना। तो ये बाहर कुछ दुकानें लग जाती हैं, यहाँ छोटे बड़े भगवान भोले बाबा की मूर्तियां वगैरह है, काफी अच्छी चीज है। और इधर पुष्प वितरण है आराम से, उसको आगे निकल के चप्पल स्टैंड है, इधर हाथ धोने की व्यवस्था है पूरी। लिखा हुआ है मोबाइल बैग पर्स का, खुद से ध्यान रखें। सामने मंदिर है श्री कृष्ण सुदामा मल्लाम विद्यास्थल, मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला इस तरफ है। हम लोग चलते हैं श्री सर्वेश्वर महादेव के मंदिर, इनको स्वयंभू महादेव भी बोला जाता है। महर्षि शांतिपनी की तपस्थली भी यही है। अंदर फोन ले जाना मना है तो हम यहीं से आपको दिखा दे रहे हैं। दोस्तों यह है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, गोमती कुंड है ये, दिया है पूरा चारों तरफ। इसके बाद हम लोग सामने वहां घूमने जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे, चलो चलो। पहली बार सुदामा तुम यही दोस्ती वही करने जाएंगे। 64 कलाओं की दीर्घाएं सामने लिखी हुई है, ये गैलरीज ऑफ 64 आर्ट फॉर्म्स। ये सामने सांदीपनी है, ऋषि है।